बैकग्राउंड छोड़ेंगे इतना, ठीक है। और क्योंकि ये 3/4 है फेस, सेंटर लाइन यहाँ पे आएगी ऐसे, और सेंटर लाइन से आप देखोगे कि लेफ्ट कितना है, राइट कितना है फेस, उसके बाद ये कैप है फेस पे, यहाँ पे आई वो है आईब्रोज, नोज, नोज लंबा हो जाता है ज्यादा दिखता है, मतलब ऐसे फेस पतला हो जाता है, तो लिप्स, चिन, तो सबसे ज्यादा टाइम जो आपको लगाना था वो इसको फेस को सेट करने में, जितना नोज आएगा और आईब्रो होंगे उतना ही एयर आएगा। आई यहाँ से शुरू होगी, मैंने पहले भी आपको बताया था जब ड्राइंग की क्लास हुई थी तो मैंने बताया था, जहाँ पे आपके नोज का विंग आ रहा है, ये ऐसे ऑपोजिट है ना, नोज का विंग आ रहा है आपका, वहां से आपकी आई शुरू होगी, तो आपकी ड्राइंग कभी भी गलत नहीं होगी। यस मैम, क्योंकि अब एज हो गई है तो मसल लूज हो चुके हैं, आपको लाइन से ही इतनी से ही पता चल रहा होगा, ये सारी लाइन जैसे नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आईब्रो क्या है, वो भी ऐसे नीचे की तरफ आ गए हैं, तो आईज के बिल्कुल ऊपर ही आ गए हुए हैं। मेल फेस है तो वैसे भी मैंने कहा था कि मेल फेस में आईज जो है वो उसके अपर आईलिड जो ज्यादा बड़े नहीं होते, और ये मसल भी इतना बड़ा नहीं होता जो आई के ऊपर है, तो अब जब एज ही हो गई है तो वो बिल्कुल ही नीचे की तरफ चला गया यहां से ऐसे। ईयर की स्किन भी पतली हो जाती है, लंबे से हो जाते हैं। ये जो नोज की रूट, फिर उसके बाद यहाँ पे गूमर, वो आपको सबको बताया ही हुआ है। अगर आप ऑयल में आ गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइंग की जो आपकी वीडियोस हैं उसको आपको देखना बंद कर देना है, वो तो इस चीज के लिए थी कि आप जब यहाँ पे आओ तो आपको एक-एक मसल का पता हो कि जब कम एज है तो कैसे है, अब एज फेस कर रहे हैं तो वो मसल कैसे होंगे। तो यही के लिए आपको फर्स्ट मंथ में इतनी मेहनत करवाई जाती है कि पहले बोन स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद मसल समझाए जाते हैं, ताकि यहाँ पे आके आपको पता चले कि वही मसल कैसे लूज हो गए, तो शेप कैसे चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको देखते ही रहना है वीडियो, तो उससे प्रैक्टिस करते ही रहना है आपको। यस मैम, मैम फ्री हैंड ट्राई किया था मैंने।
जो पिक्चर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बनाई थी मैम, वो आईज और नोज और ईयर्स का एक करा था मैंने मैम, इक्वल जैसे आपने बताया था वैसे, और मैम फेस एकदम मैच हो गया अपने आप ही, और शेडिंग भी आपको, नहीं की मैम, अभी खाली लाइन से ही समझ में आ रहा है कि कौन है। हाँ क्योंकि जब तक आपको जो मैंने पिक्चर्स आपको सेंड की हुई है मसल्स वाली, उसको देख के आप अगर जी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको ये चीजें जी समझ में नहीं आएंगी। मैम, एक हफ्ते से मैंने वो ड्राइंग बना के रखे, लेकिन मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ऑयल में ना 2 बार 3 बार बना के थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो मैम कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो रहा है। पेंसिल से मैंने बना के रखी हुई है मैम, लेकिन हो नहीं पा रही। ये वर्ड मुझे समझ नहीं आता कि कॉन्फिडेंस लूज हो गया, इसका क्या मतलब है? घबराहट मैम घबराहट होती, मुझे ऐसा लगता है तब कि मैं नहीं होती कर है, पाऊंगी। मेरी बात समझो, इसको नेगेटिव मत लो, इस बात को ये समझो कि ये कोई वर्ड नहीं है, इसको समझने वाली इतनी जरूरत नहीं है कि कॉन्फिडेंस लूज। कॉन्फिडेंस लूज मतलब कि आपने प्रैक्टिस नहीं पूरी अच्छे से की। ये खुद को समझाओ कि मैंने ये चीज पे ज्यादा फोकस नहीं किया तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस नहीं की, कर लोगे तो हो जाएगा। यस बात मैम, समझ में आ रही है? इसमें कोई हाँ घबराने जी वाली मैम, बात नहीं होती, खुद को समझाने वाली बात होती है कि मैंने इस चीज पे प्रैक्टिस नहीं की थी इसलिए ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं कर लूंगी तो हो जाएगा। यस मैम। मैम इसीलिए छोटे छोटे कैनवस आते हैं 30-30 वाले मैम, वो लेके मैं हाँ कुछ भी उनपे थोड़ा थोड़ा ना प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, थोड़ा एक्रेलिक से कर रही हूँ मैम, हाँ क्योंकि थोड़ा पता नहीं क्यों डर लग रहा है। वो हो जाएगा मैम, मैं 2-3 दिन में मुझे लग रहा है कि मेरे को आप कॉन्फिडेंस मैरिड आ हो जाएगा, ना तो मैं बनाऊंगी। ऋतु? हाँ आप जी मैम, मैरिड हो ना, बच्चे हैं ना आपके, यस मैम, 12th आप मदर पास हो कर तो रही ये बेटी मैं। वर्ड मत यूज किया करो कि कॉन्फिडेंस लूज हो गया। आपने बच्चों को भी यही चीज सिखा देनी, नहीं तो ओके मैम, बच्चों को भी यही समझाओ कि कॉन्फिडेंस लूज वाली कोई चीज नहीं होती। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, यस मैम, ठीक है? जी मैम, इसीलिए तो आपको इतनी डेप्थ में हर चीज बताती हूँ कि कल को आप ये वर्ड यूज ना करो, कम से कम मेरे स्टूडेंट तो ना यूज करें। यस मैम, मैम नहीं करेंगे आपका नाम खराब। मैम हस्बैंड ने बोला कि सॉफ्ट पेस्टल में बना के देख लो पहले। वो चीज मैंने शायद लास्ट टाइम आपको भी कही, मैंने किसी और भी क्लास में कही। खैर एक हॉर्स कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट है, उनको हॉर्स यस मैम, सीखने थे तो वो कह रही है कि बड़े साइज में ऑयल में करनी। मैंने कहा आपको अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ, पुराने आर्टिस्ट जो थे वो क्या करते थे, प्रसाद जी आपको पता होगा, वो क्या करते थे, पोस्टर कलर यस में मैम, छोटी सी तस्वीर में वो पोस्टर कलर में बना लेते थे पहले उसको, या ओह वाटर कलर में उसको बना लेते थे। आपके पास ऑप्शन है, आप सॉफ्ट पेस्टल में कर सकते हो। यस मैम, मैंने उनको बोला आपके घर में प्रिंटर है, नहीं भी है तो आप बाहर से प्रिंट करवा सकते हो। क्या करो, छोटे से साइज में वाटर कलर में या सॉफ्ट पेस्टल में एक पूरी तस्वीर बना लो, उसकी कैमरा से पिक लो अपने मोबाइल से, फिर वो इसमें ऑप्शन यस आती है ना ग्राफ वाली, आप इसमें ऐड मैम, होते हैं उसमें, आप उस पे ग्राफ लगाओ, वो ग्राफ लगी हुई प्रिंट निकालो, आपके पास ग्राफ लगी हुई प्रिंट हुई आपके पास आ जाएगी। यही जो पिक्चर आप बना रहे हो इसकी फोटो क्लिक करो, इस पे ग्राफ लगाओ छोटे साइज यस में, मैम, और वो फिर ग्रिड उसको वाला ऑप्शन आता है मैम। लार्ज कर लो। तरीके यस ढूंढते हैं मैम, घबराने की जगह पे ना, जब आपको लगे कि जी ये मैम, मेरे से नहीं हो रहा, उसको सोचो कि मैं कैसे करूंगी तो ये हो जाएगा, यस मैम, समझे? उसके तरीके ढूंढते हैं अलग अलग। यस मैम, क्योंकि सर पकड़ के बैठ जाने से कोई हल तो निकलेगा नहीं, हल तो निकलेगा जब उसके तरीके ढूंढोगे कि इसको करना कैसे है, पीछे पड़ जाओ उस चीज के। यस मैम, और आप में से किसी ने मुझे रिव्यू वीडियो भी नहीं दी। भेज देंगे बनाकर आप।
सुनती हूँ हर बार, मैं बोलती हूँ मैम आपने सैंपल वीडियो नहीं भेजी ग्रुप में। आपका इंस्टा पे हो मेरे साथ, तो इंस्टा पे बहुत सारी पड़ी है, मैं फिर भी भेज दूंगी। मैम इंस्टा वाली तो मैंने देख ली सारी मैम। हाँ बस वही है, वही सैंपल मैं भेजूंगी, वही स्टूडेंट्स का ही है रिव्यू वीडियो, वो दूसरे यस मैम। ना स्टूडेंट जो है उनकी। ओके है, इस पे मैंने बहुत मेहनत की है एक एक चीज पे, आप भी प्रैक्टिस करो अच्छे से। मैंने हर एक चीज आपके लिए भेजी हुई है, मसल के बारे में नहीं पता, हर मसल के बारे में, बोन के बारे में सब भेजा हुआ है आपको ग्रुप में। नहीं है आपके पास फिर से भेज दूंगी, लेकिन उससे देख के प्रैक्टिस करो। ये ड्राइंग मैं करके रख सकती हूँ, आपके सामने कर रही हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि आपको वो जो कह रहे हो कि कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ता है जब आपको चीजों की नॉलेज होती है। यस मैम। मैम अभी ये समझना है कि कौन से हर कलर के एक जगह होते हैं ना मैम, आपने बताया था वो हम कई बार थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं वो तब तो आता है, काम भी मैंने कर देते। शुरू में आपको बोला था जब तक आपकी पेंसिल अच्छे से नहीं चलेगी, आपका ब्रश भी ब्रश नहीं भी नहीं चलेगा, चलेगा। तो जितनी हो यस सके मैम। वीडियोस आपके पास पड़ी हैं उनपे ऊपर कोई पासवर्ड नहीं है, वो कहीं नहीं जाने वाली, चली भी जाए यस तो मैम। मैं बैठी हूँ, अब मेरे से फिर से मांग लो, ठीक है? यस मैम। इसकी जी वीडियो मैम। नहीं आपके पास ना, तो आप एक एक की शुरू करो, पहले आप पहले ड्रॉइंग के ऊपर मेहनत करनी शुरू करो, पहले आपसे ये लाइन वर्क अच्छे से निकल जाए, जब शेप आ गई अच्छे से तब शेडिंग के ऊपर आ जाओ, टोनल वैल्यू को समझो, जब वो आ जाए तो धीरे धीरे सॉफ्ट पेस्टल में प्रैक्टिस करो, उसकी भी वीडियोस हैं आपके पास। सॉफ्ट पेस्टल में कर लिया तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो अब धीरे धीरे ऑयल के ऊपर आ जाओ, ठीक है? सिंगल कर यस करके रख मैम। हीरो को, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए उसको फिर फिनिश करना शुरू कर दो। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है ना, यस मैम। स्टेप चलना पड़ता है, इसीलिए पासवर्ड नहीं रखा इसके ऊपर, कि जब आप प्रैक्टिस कर लो, जब आपका दिल करे आप फिर से वो वीडियो देख के फिर से प्रैक्टिस करो।
ये समझ में आ रही है ड्राइंग आपके? यस मैम। मेरी एक स्टूडेंट है, वो पिछले 5-6 मंथ से मेरे साथ है। वो ये जो मैं स्ट्रोक्स लगा रही हूँ ना, इसकी भी प्रैक्टिस करती है ताकि उनके ब्रश वैसे चल सके। मैं भी ऐसे ही करती थी, एक एक स्ट्रोक की प्रैक्टिस करती थी। जब मेरे टीचर कुछ भी, वो चाहे कोई पेपर पे कुछ करके फेंक दे, मैं वो पेपर उठा लेती, संभाल के रखती थी। उन एक एक स्ट्रोक्स के ऊपर मेहनत करती थी। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता है।
वन नंबर से इसकी ड्राइंग निकाल रही हूँ, वैसे तो हम सिक्स नंबर कलर से निकालते हैं। आप राउंड ब्रश लीजिएगा, मैं फ्लैट है थोड़ा सा। राउंड ब्रश से कर रही है मैम आप राउंड ब्रश से कीजिए। ओके मैम। ये सिर्फ बर्न नंबर है। हाँ
म्यूट कर दीजिए। निधि म्यूट कर दीजिए। Thank you.